दोस्तों कहीं और से नहीं, एनआईटी फरीदाबाद से ही लाइव हूँ। लाइव क्या, वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये सीवर का ढक्कन है और ये मुख्य सड़क है, जो है कोई छोटी मोटी सड़क नहीं, मुख्य सड़क है। दिखाते हैं, ये देखें, इधर पास में 200 मीटर दूर हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, ये देख रहे हैं। और इधर ये डबुआ कॉलोनी सड़क जाती है, ये देखें, ये जहाँ गड्ढा है बीचों बीच सीवर का ढक्कन खुला है और शायद 2-3 दिन से खुला है ये ढक्कन। और अभी तो दिन है, ये देखें डंडा वगैरह लगा दिया गया है। रात्रि में यहाँ अंधेरा होता है और बड़ी दुर्घटना संभव है। एनआईटी फरीदाबाद हमने दिन में भी दिखाया था, कुछ लोग आज सीवर में नहा रहे थे, सीवर के पानी में नहा रहे थे। धर्मवीर भड़ाना, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, कई और नेता, महिलाएं, और वही एनआईटी है। सीवर का ढक्कन देख सकते हैं मुख्य सड़क पर, कई दिन से ऐसे ही खुला पड़ा है, टूटा पड़ा है। घटना दुर्घटना संभव है। हरियाणा का हाल ही कुछ अजब है, अजीब है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था कि 2 साल से हरियाणा में स्ट्रीट लाइटों का टेंडर बंद है, खरीदी नहीं जा रही है। 2 साल से सिर्फ काम चलाऊं, जुगाड़ लगाया जा रहा है। वही हालत शायद इन ढक्कनों की है, गड्ढों की है, पता नहीं कितने गड्ढे हैं। फरीदाबाद भाई साहब, कब से ये ढक्कन खराब है, कब से गड्ढा है? 3 दिन से खुला हुआ है। पब्लिक ने डंडा लगाया कि, अच्छा, पब्लिक ने डंडा लगा दिया है। अभी एक ऑटो पलटते पलटते बच गया, एक कार फंस गई थी इसमें अभी। अच्छा, कार फंस गई थी और ऑटो पलटते पलटते बचा जो है। ये तो दिन में हालात हैं, रात में क्या होता होगा? अगर किसी को इसको निकाल देगा तो फिर सोचते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता है इससे। अच्छा, दोस्तों दिन में यहाँ कार वगैरह देख सकते हैं, ऑटो फंस जा रही, कार पलटते पलटते बच जा रही है। ये वही है, ये देखें डंडा लगा है, ये देखें, बड़े बुरे हालात हैं विधानसभा क्षेत्र के। कैसे बताएं, त्योहार का समय है, इस सड़क पर तो 2 दिन बाद धनतेरस के दिन के बाद से मेला लगना शुरू हो जाएगा। पैर रखने की जगह नहीं होती त्योहारों पे, क्योंकि सेक्टर 50 डबुआ कॉलोनी, उधर भाखरी पाली के कई हजार लोग, क्या 50,000 से ज्यादा लोग इसी सड़क से आते जाते हैं रोजाना। नगर निगम ध्यान दे और जल्दी ये ढक्कन इसे ठीक किया जाए, पुलिया को, वरना बड़ी दुर्घटना संभव है। देख सकते हैं हरियाणा अब तक से उसके अंदर देंगे राज्य।